नागरिकता संशोधन कानून और अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह से मुद्दा उठ रहा है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में ना जाने सिर्फ कितने मसले सामने आए हैं, कितने विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब ना सिर्फ आम जनता बल्कि बॉलीवुड के भी कई सितारे इस कानून पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं और इसके विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा भी ले रहे हैं। उसी में एक और नाम जुड़ गया है और नाम है एक्ट्रेस और कांग्रेस की पूर्व नेता उर्मिला मातोंडकर का, जिन्होंने सीए को काला कानून बताया है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बात करते हुए उर्मिला ने कहा कि वर्ष 1919 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश को पता था कि हिंदुस्तान में असंतोष फैल रहा है और यह असंतोष बाहर आने वाला है, इसीलिए वो एक कानून लेकर आए थे जो रोलेट एक्ट के नाम से भी मशहूर हुआ। उस कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को देश विरोधी गतिविधियां करने पर बिना किसी पूछताछ और सबूत के जेल में डालने की अनुमति सरकार को दी थी। उन्होंने कहा कि ये कानून काफी खतरनाक था, वो 1919 का कानून और आज 2019 का सीएए कानून, ये दोनों कानून इतिहास में काले कानून के नाम से दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि उर्मिला ही नहीं बल्कि कई अन्य बॉलीवुड सितारों ने भी सीएए एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाई है, जिनमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा जैसे सितारे शामिल हैं। देशभक्त लोक का करतील देशविरोधी लोक काम, कारण मित्र हो त्या आणि आजच्या काळामध्ये तो 2019 चा कायदा 1919 चा कायदा आणि हा 2019 चा कायदा सीए हे दोन्हीही कायदे फक्त काळे कायदे म्हणून इतिहास त्यांची नोंद करेल। आणि ज्याप्रमाणे त्यावेळी आपल्याकडे खूप नेते होते, खूप लोक होती, ते भरभरून पुढे आले, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची आंदोलनं झाली, लोकांमध्ये ह्या गोष्टीचं समजूत घालण्यात आली की का हे नागरिक विरोधी कायदे आहेत, आणि त्यानुसार कुठेतरी आज ज्या प्रकारे लोक रस्त्यावरती आली आहेत ते त्या वेळी मी नव्हते, पण त्यावेळेचं जे मी वर्णन वाचले त्या वेळेची आठवण येते। मित्र हो, मला कळतच नाहीये की हे सगळं देश, हा सगळ्या देशातला हा जो सगळा जे काय हे जे काय आपल्याकडे आज सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत हे हिंदू मुस्लिम ह्याच्या सकट ह्याच्या ह्या एका एक सगळ्यांना आपलं इझी पडणाऱ्या एका लेबल खाली कर...